दोस्तों, ओला कैब्स के बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। ओला कैब से आप कोई भी कार या फिर ऑटो बुक कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में जानते हैं कि ओला ऐप कैसे यूज़ करते हैं और ओला कैब को आप कैसे बुक कर सकते हैं, उससे कैसे आप कहाँ तक जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं आज के दिगान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओला ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको इस पे ओला पर क्लिक कर देना है। देखिए, कुछ इस तरीके से ओला कैब का ऐप दिखाता है, ये इंटरफेस आ गया है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। इस जगह पे कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने दोस्तों देखिए, वेलकम टू ओला आ रहा है। यहाँ से हमको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ परमिशन यहाँ पर मांग रहा है ऐप, तो अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन को और मोबाइल नंबर को हम अलाउ कर देंगे। नोटिफिकेशंस भी अलाउ कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारी लोकेशन दिखा रही है इस समय, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हल्का सा हम जूम करेंगे तो ये एक लोकेशन है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इसको हम कहते हैं पिकअप लोकेशन। देखिए, आपको जब ये आपको ये ग्रीन ग्रीन दिखाता है, इसका मतलब कि ये आपकी लोकेशन है जहाँ से आपको कैब बुक करनी है। आप कैब किसी और के लिए भी बुक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी लोकेशन डालनी पड़ेगी जहाँ से आपको किसी को पिक करना है, या फिर जहाँ पे आप हैं, आप जहाँ से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपकी लोकेशन आएगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि पिकअप ऊपर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये एड्रेस आ रहा है और इसके बाद यहाँ पे पिकअप का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आपकी पिकअप लोकेशन है। इसको सबसे पहले हम कन्फर्म लोकेशन पर क्लिक कर देंगे, इस जगह पर दोस्तों। ये इस जगह पर क्लिक करने के बाद देखिए, पूछ रहा है कि राइड हमको अपने लिए ही बुक करनी है या फिर किसी दूसरे के लिए। तो किसी दूसरे के लिए करनी है तो चूज़ अनदर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो अपने लिए करनी है तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों देखिए, अब ये हमारी पिकअप लोकेशन यहाँ पे लग चुकी है। और अब इस पिकअप लोकेशन के देखिए आसपास दोस्तों, जो भी चीज़ें, जितनी भी कार हैं, जिस लोकेशन पर कार है, उसकी करंट लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ओला ऐप से आप क्या क्या चीज़ें बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डेली जैसे कि अपने सिटी के अंदर कहीं ट्रेवल करना है, तो आपको इस जो डेली का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। यानी कि इस पर ऑलरेडी क्लिक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन में सर्च करना है, जहाँ पे भी, जिस लोकेशन पे आपको जाना है। इसके अलावा दोस्तों, आप आउट स्टेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको आपके शहर से किसी दूसरे शहर जाना है, तो उसके लिए भी आप कार हायर कर सकते हैं ओला कैब की मदद से। अगर आपको कुछ रेंट पर कार चाहिए जिसको आप खुद से ड्राइव करें, तो कार रेंटल का भी यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने डेली पे क्लिक किए हैं, और अब हमको यहाँ पे सर्च डेस्टिनेशन पे हमको क्लिक कर देना है। सर्च डेस्टिनेशन पे क्लिक करने के बाद हम कोई भी लोकेशन, जहाँ पे भी हमको जाना है, उसकी लोकेशन हमको सर्च करनी पड़ेगी लिक करके। अब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि हमें कोई लोकेशन डालते हैं, वहाँ के लिए हम कैब बुक करते हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और दोस्तों देखिए, यहाँ से एक दूरी दिखा रहा है हमारा कि क्या हमारी दूरी है। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास हमको दिखा रहा है कि लगभग 12 से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो 12 से 13 किलोमीटर के लिए अब यहाँ पे जो कैब आ रही है, उसकी भी देखिए कुछ कैटेगरी होती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कैटेगरी होती है। सबसे पहले देखिए, स्क्रॉल करते हैं हल्का सा ऊपर, आपके सामने ये कुछ ऑप्शन ढेर सारे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है आपके एनी बुक एनी, यानी कि एनी में आपको, जैसे क्या होता है कि कार भी अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे कि छोटी कार होती है मिनी में, जिसको आता है, तो मिनी में आपको वैगनार मिल जाएगी। इसके अलावा आप बाइक भी बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको बाइक से जाना है तो आप बाइक के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो से जाना है तो आप ऑटो के ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑटो आएगी। प्राइम सेडान का ऑप्शन आता है दोस्तों, तो प्राइम सेडान में आप सेडान गाड़ी बुक कर सकते हैं, जैसे कि डिज़ायर हो गया, और इस तरीके की जो भी थोड़ी सी प्रीमियम कार है वो यहाँ पे बुक होती है। इसके अलावा दोस्तों, प्रीमियम एसयूवी का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप बुक एनी पे क्लिक करेंगे, तो मिनी या फिर प्राइम सेडान में से कोई भी बुक हो जाएगी। तो सस्ती वाली भी बुक हो सकती है और महंगी वाली भी। और अगर आपको मिनी यानी कि सस्ती वाली चाहिए, तो आप मिनी पे के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके अलावा हम बाइक पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए, 115 रुपये बाइक का दिखा रहा है। ऑटो भी बुक कर सकते हैं। मिनी के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने मिनी के ऑप्शन को क्लिक किया, तो मेरे इर्द गिर्द जो भी मिनी कार हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बाइक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए मेरे अगल बगल जो भी बाइक है मेरे लोकेशन के इर्द गिर्द, ये सारी मुझे ये भी देखने को मिल जाएंगी।
अब इसके बाद दोस्तों देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से नीचे देखिए ये पे एक पेमेंट का ऑप्शन है कि किस चीज़ से हमको पेमेंट करना है। यहाँ पे एक पेमेंट मेथड दिया है, यहाँ पे कूपन है, यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं अपने लिए बुक कर रहा हूँ। ठीक, तो इस ऑप्शन को हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आ रहा है कि हम कैश में कर सकते हैं ओला मनी वॉलेट के थ्रू या फिर किसी भी ऑनलाइन UPI के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों जब हमने लोकेशन सारी डाल दी है, बुक करने के लिए बुक मिनी या फिर बुक प्राइम सेडान का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से इंश्योरेंस लेने को बोल रहा है डेली राइड इंश्योरेंस, तो उसकी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो रिमाइंड मी लेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ से देखिए हमारी कैब बुक अब हो रही है, ड्राइवर नियर बाय ड्राइवर जो है उससे कनेक्ट किया जा रहा है। तो एक बार ये होने के बाद हमारे पास कार की डिटेल आ जाएगी, ड्राइवर का नंबर आ जाएगा, ड्राइवर कार का नंबर आ जाएगा, जिसको कि हम दोस्तों अब देखिए हमारे पास ये वाइट कलर की वैगनार कार की बुकिंग हो चुकी है दोस्तों, जिसका ये रहा नंबर। और यहाँ से ड्राइवर को हम मैसेज कर सकते हैं इस जगह से या फिर हम कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमको दिखाएगा 341 रुपीज़ हमको पे करना है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हमारी कैब बुक हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जहाँ पे आपकी कार है उसकी लोकेशन देखिए यहाँ पे दिखा रही है। अब यहाँ पे कार है, यहाँ से इस जगह पे हमारी इस लोकेशन पे कैब आएगी, उसके बाद फिर जो जिस भी लोकेशन हमको जाना है, और जब आप कैब पे बैठ जाएंगे दोस्तों तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि ड्राइवर आपसे OTP मांगेगा। तो OTP देखिए इस जगह पे ये OTP लिख करके आ रही है, तो इस OTP को आपको शेयर जरूर से जरूर करना है, तभी राइड स्टार्ट होगी। ये OTP जैसे आप शेयर कर देंगे वैसे आपकी राइड स्टार्ट हो जाएगी और आपको इसी तरीके से ट्रैक करके दिखाएगा पूरा रास्ता। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। इस तरीके से हम कैंसिल भी कर सकते हैं अगर हमको नहीं चाहिए, फिर अगर लेट हो रहा है तो कोई भी रीज़न हो, तो हम इस तरीके से कैंसिल भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आउट स्टेशन का एक ऑप्शन है, जिसमें कि आपकी शहर से किसी दूसरे शहर के लिए भी कैब बुक कर सकते हैं। रेंटल का भी ऑप्शन है, आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, इस तरीके से पैकेज है, तो आप कार रेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अगर 10 घंटे के लिए है, 10 घंटे और 100 किलोमीटर के लिए इनका पैकेज है, तो ये भी आप बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए यहाँ से आप रेंटल भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ओला कैब बुक कर सकते हैं। आपको दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।